अगर इनको आप कंट्रोल कर लें मोनिटर कर लें एनालाइज कर लें चेक रखें इसके ऊपर इनको बेजा यूज ना होने दें तो आपका कंट्रोल रहेगा फायर डिस्टिंगशिंग वहां पे किसी किस्म की प्रॉब्लम पैदा फायर की नहीं होगी ऑक्सीजन इज नेचुरली प्रेजेंट इन मोस्ट अर्थ एनवाट फायर यूजली इन्वॉल्व द मिस हैंडलिंग ऑफ फ्यूल और हीट जब फ्यूल या हीट को मिस हैंडल किया जाता है तो वहां पे फायर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल फायर डिफाइंड हेयर फायर आर कम्बे इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन ऑक्सीजन एंड अ कम्बेस्टिबल फ्यूल ऑक्सीजन और कम्बेस्टिबल फ्यूल को जब मिलाया जाता है तो उसकी मदद से आग पैदा होती है अब ये डाइग्लाम्ड ये स्टूडेंट्स देखें आप लोग हीट फ्यूल ऑक्सीजन फायर मोल्डरिंग मोड ट्राइंगल रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हीट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है केमिकल चेंज रिएक्शन रिड्यूसिंग एजेंट है फ्लेमिंग मोड में ये चीजें चल रही होती हैं अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये होता है कि ऑक्सीजन और कम्बेबल फ्यूल जब ये आपस में मिलेंगे देन वट विल हैपन फायर आपकी पैदा होगी अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि फायर हैजर्ड्स तो हो गई अब इनको कंट्रोल कैसे करना है इनको मैनेज कैसे करना है फॉर्दर रिएक्शन टू स्टार्ट अ सोर्स ऑफ एजुनेशन सच एज स ओपन फ्लेम ये चीजें इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स हाई इज एट ये रिएक्शन टू स्टार्ट द दिन टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट अ गिवन फ्यूल कैन बर्स्ट इन टू फ्लेम वो जो गिवन आपका फ्यूल है जब वो बस्ट होता है फ्लेम में आग की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो वहां पर इसको हम फायर हैजर्ड बोलते हैं इसको किस तरह से मैनेज करना है इसको हम लोग फर्दर देखेंगे फायर हैजर्ड डिफाइंड केमिकल रिएक्शन क्रिएट्स हीट कन्वेक्शन ये देखें आ गए जो कन्वेक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन कंज्यूम मोर हीट दैन दे जनरेट कार्बन इज फाउंड इन आलमोस्ट एवरी फ्लेमेबल सबस्टांस ये जितने भी पॉइंट्स हैं सब का ये मकसद है वो ये है कि जब भी आपकी ऑर्गेनाइजेश के अंदर फायर हैज पैदा हो जाए उसको कंट्रोल कैसे करना है उसके लिए बाकायदा एस ओ पीज होने चाहिए प्रॉपर आकुपेनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन के स्टैंडर्ड होने चाहिए उनकी मदद से आप इनको प्रिवेंट कर सकते हैं सोर्सिस मेटल फर्नीचर मशीन्स प्लास्टर एंड कंक्रीट ब्लॉक्स वॉल्स आर यूजली पेंटेड उनको पेंट क्यों किया जाता है ताकि उनकी जो यूज होने की एबिलिटी है वो कम हो सके मोस्ट पेंट्स एंड लिक्विड विल ईजीली कैच फायर कुछ पेंट इस तरह के होते हैं कि वो आसानी से आग को पकड़ लेते हैं या लिक्विड कुछ इस तरह के होते हैं वो आसानी से आपको पकड़ लेते हैं तो आपने ये देखना है कि फायर वाली जगह पे वो लिक्विड लिक्विड और ये चीजें यूज ना हों विन अवर एनवाइट एलिवेट द रिस्क ऑफ फायर एंड सो आर टर्म फायर हैजर्ड्स जो चीज़ फायर को आसानी से पकड़ लेती है उसी वजह से फायर हैजर्ड्स पैदा होते हैं डी स्टूडेंट्स ये देखें सोर्सिस क्लास ए सॉलिड कम्बोस्टिबल मटीरियल दैट इज पेपर वुड टेक्सटाइल सबसे पहले क्लास ए में ये चीज़ डिफाइन की गई है क्लास बी फ्लेमेबल लिक्विड्स ऑयल डीजल पेट्रोल क्लास सी नेचुरल गैस प्रोपेन क्लास डी एफ ई कुकिंग ऑयल ये जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं ये बेसिकली हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ फायर हैज़ड अगर आप चाहते हैं कि फायर हैजेड्स के जो सोर्सेज हैं इनको कंट्रोल कर लिया जाए वन बाई वन ऑटोमेटिकली आपकी जो फायर हैज़ट्स हैं वो कंट्रोल हो जाएगी तो सबसे पहले हमें इसके सोर्स का पता होना चाहिए उसके बाद उसको कंट्रोल का पता होना चाहिए आगे देखें आर्डिनरी। देन वुड पेपर क्लॉथ फ्लेमेबल ग्रीस आयल पेंट सॉल्वेंट्स लाइव इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल पैनल मोटर वायरिंग ये एग्जांपल्स है ए बी सी डी के और ये आगे उनके पिक्टोरियल इफेक्ट्स हैं इसको फर्दर हम देखते हैं यहाँ पे ये देखें जी रेड फ्लेमेबिलिटी ब्लू हेल्थ येलो एक्टिविटी वाइट स्पेशल इंफॉर्मेशन और ये इसका डायग्राम है यहाँ पे आपके सामने अब बेसिकली ये है क्या ये है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फायर फायर को आइडेंटिफाई करना है फिर इनको वन बाई वन आपने कंट्रोल करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर